महिलाओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि डीसी साहब भी यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी आपकी हौसला अफजाई की और कहा कि बहुत अच्छा काम जो है आप लोग कर रहे हैं। हाँ सर, बहुत अच्छा काम, उन्होंने बहुत तारीफ की हमारी डीसी साहब ने। सर हम परोसते हैं अपना रागी का आटा, डोसा परोसते हैं, और सर रागी के मोमोज, बाजरे की टिक्की और साथ में बाजरे की रोटी, मक्की। सबसे ज्यादा सपोर्ट है मेरी सास की, वो घर का पूरा काम कर लेती है। तो कहते हैं कि बच्चों करो काम, काम करने में कोई शर्म नहीं है, काम करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में वुमेन एम्पावरमेंट की कमी नहीं है, जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे साथ आज कुछ ख्वातीन हैं, इनसे जानेंगे। इन्होंने जो है वो दयालचक हीरानगर रोड पर एक मिलेट्स का रेस्टोरेंट खोला है और लोगों को जो है वो मिलेट्स के प्रति जागरूक भी कर रही हैं और बता रही हैं कि कितने फ़ायदे जो है वो मिलेट्स के हैं। यहाँ पर हमारे साथ ख्वातीन हैं जिन्होंने यहाँ पर एक रेस्टोरेंट जो है वो शुरू किया है, जिसके बाद काफ़ी लोग जो यहाँ पर पहुँचे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डीसी कठुआ राकेश मिन्हास यहाँ पहुँचे, उन्होंने इन लोगों की हौसला अफजाई की और उन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है इन्होंने लिया है और बहुत अच्छा काम जो है ये लोग कर रहे हैं। हमारे साथ एक खातून है, उनसे जानेंगे। जी क्या नाम है आपका और कब से जो है ये रेस्टोरेंट शुरू किया है? सर मेरा नाम पूजा है, तो ये हमने सितंबर में किया था रेस्टोरेंट शुरू। किस तरह से आपके दिमाग में आया कि लोगों को मिलेट्स के प्रति जागरूक किया जाए, और कहाँ से ये सफ़र जो है आपका तय? सर हमारा सफ़र तो ऐसे ग्रुप बना था हमारा 2021 में। क्या नाम था आपके ग्रुप? वुमेन हेल्प सेल्फ ग्रुप है हमारा, कृष्णा मिलेट रेस्टोरेंट। किसको देखकर जो है आप इंस्पायर हुए और सोचा कि ये काम जो है वो हमें शुरू करना है? तो सर अपने प्रेसिडेंट हमारी त्रिता देवी है, उनके घर में गई तो ये बोलने लगे कि पूजा मैडम हम ग्रुप बना रहे हैं तो आपको भी ऐड करते हैं। मैंने बोला हाँ लिख दो, मेरा नाम भी लिख दो। फिर उसके बाद हमने शुरू किया, ये 2023 और 2024 में शुरू हुआ था। तो उसके बाद हमने आंवले का मुरब्बा और आंवले की कैंडी, जैम, चार चीज़ें बनाई हमने। तो फिर जब बनाया ये सारा सामान तो हमारे श्री मनोहर लाल जी पर जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत प्यार मिला सर, बहुत। अभी बहुत शाम को बहुत सारी फैमिली आती हैं। क्या क्या आप जो है अपने इस रेस्टोरेंट में जो है वो परोसते हैं जो भी? सर हम परोसते हैं अपना रागी का आटा, डोसा परोसते हैं, और सर रागी के मोमोज, बाजरे की टिक्की, और साथ में बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी, चावल की रोटी मांगे तो मिलेट्स वाला वो परौंठा भी परोसते हैं। ये जो आप चीज़ें बनाते हैं इसमें क्या क्या ऐड ऑन करते हैं, क्या क्या चीज़ों का जो है इसमें इस्तेमाल? सर जो डोसा है इसमें हम आलू भरते हैं, तो उसके बाद हम पनीर भी करते हैं, प्याज भी डालते हैं, तो उसके साथ नारियल की चटनी देते हैं, अपना सांभर देते हैं, मिक्स सब्जी। घर वालों का किस तरह से आपको सपोर्ट रह रहा है? कि घर वाले होते हैं कि कई बार कहते हैं कि जितनी भी हमारी महिलाएं हैं वो घर में काम करें, लेकिन आपको घर वालों का किस तरह से? सर सबसे ज़्यादा सपोर्ट है मेरी सास की, वो घर का पूरा काम कर लेती है। तो कहते हैं कि बच्चों करो काम, काम करने में कोई शर्म नहीं है, काम करना चाहिए। तो महिलाओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि डीसी साहब भी यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी आपकी हौसला अफजाई की और कहा कि बहुत अच्छा काम जो है आप लोग कर रहे हैं। हाँ सर बहुत अच्छा काम, उन्होंने बहुत तारीफ की हमारी डीसी साहब ने। तो जो हमें पैसे वगैरह दे के गए हैं तो हम सब लेडीज़ आपस में बांटेंगे। कितनी महिलाएँ जो है वो आपके साथ इसमें जुड़ी हुई हैं जो इस रेस्टोरेंट में काम कर रही हैं? सर 10 महिलाएँ हैं। 10 महिलाएँ आपके साथ? कुछ महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए संदेश जो अपना यूनिट खड़ा कर कर इस तरह से काम करना चाहती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो अब नहीं रही हैं, बहुत मुश्किल से गवर्नमेंट जॉब्स मिल रही हैं, तो कई लोगों की उम्र भी जो है वो चली गई गवर्नमेंट जॉब्स के चक्कर में, तो क्या खास तौर पर आपका मैसेज जो है वो महिलाओं को? हम महिलाओं को यही कहते हैं कि अपने बच्चों को समझाओ कि मैदे वाला नहीं खाओ, मिल्स वाला खाओ, इसमें प्रोटीन वगैरह अच्छे, सब कुछ अच्छे प्रोडक्ट है ये खाने के लिए, जो बनाते हैं हम देसी है, तो घर में उगाते हैं, खुद खेत में उगाते हैं, वही बनाते हैं हम, सब्जी भी घर की बनाते हैं। तो हम महिलाओं को सभी को यही कहते हैं कि तंगी में नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, जैसे हम काम कर रहे हैं आप सभी महिलाएं काम करो। ये थी हमारे साथ ख्वातीन जिनका ये रेस्टोरेंट है और जो यहाँ पर काम कर रही है। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग महिला हैं, उनसे जानते हैं। जी मदर जी आपका क्या नाम है? जी हमारे काम को देसी चीज़ें बनाने, देसी चीज़ें बनाते हैं, देसी चीज़ें बनाने, घरे का साग बनाने, घरे का बाजरे की रोटी बनाने, ज्वारी की रोटी बनाने, और कोई लोकें दी किन्नी सपोर्ट मिला रही, किन्ने लोग इत्थे आ रहे? हाँ जी लोग केह गलांदे जिले इधर आंदे की इहदी चीज़ां लगदियां ने? बड़ी पसंद करिए खांदे ने। जो डीसी साहब भी आए थे इत्थे? हाँ जी डीसी साहब भी आए थे, बड़े खुश होइए गए, बड़े शैल प्रेम से खाधी, खाना खाधा उन्हें, बाजरे रोटी भी खाधी। के गलाया उन्हें? नहीं, अहें
साग खिलाया, ढोडा खिलाया बाजरे का। उन्हें आख्या तुम कुछ आख्या नहीं? उन्हें आख्या बड़ा बड़ा शैल, अच्छा बड़ा अच्छा खाना बने, अच्छा खाना खाया। लोकें के गलागे जेड़े लोग तुम उसले लोकें गी गलाना बड़ा शैल काम कीता डीसी होरें, साड़ी बड़ी मदद की, बड़ा असें कुछ गप दी बस ठीक। तो ये थे हमारे साथ बुजुर्ग महिला जो कि यहाँ पर अपनी बहू के साथ काम भी करते हैं और हाथ भी बटाते हैं। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर जिस तरह से डीसी कठुआ डॉक्टर राकेश मीनाज आए, उन्होंने हौसला अफजाई जो है वो की है और लोगों का भी इनको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और ख़ास तौर पर इनका एक मैसेज लोगों के लिए है कि जिस तरह से आप जो है वो बाहर की चीज़ें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, वो हेल्थ के लिए जो है वो ठीक नहीं रहता है, आप उससे बीमार भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आइए एक बार, यहाँ पर चीज़ों का स्वाद चखिए। मिलेट्स जो है इसमें यूज़ होते हैं और मिलेट्स जो है वो हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है उनका मिलता है। तो इस तरह से एक इनका मैसेज था। ये लोकेशन जो है इनकी पथवाल गांव में है और डालचक हीरानगर रोड पर जो है इनका ये रेस्टोरेंट है। तो आपको भी हमारी तरफ से यही एक संदेश होगा कि नौकरियों के लिए जिस तरह से लोग ज़्यादा अब अग्रसर नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनको पता है गवर्नमेंट जॉब जो है वो कम ही रह चुकी हैं, लेकिन जिस तरह से आप सभी को पता है कि नौकरियां कम मिल रही हैं, उम्र जो है वो निकल दी जा रही है और ख़ास तौर पर जिस तरह से इन महिलाओं ने, इन खातिनों ने जो है वो काम शुरू किया है अपने यूनिट का, आपसे भी एक मैसेज है कि आप अगर इस तरह से एक बेनिफिट लेना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के, तो गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाइए, स्कीम्स के बारे में जानिए और अपना यूनिट जो है वो तैयार कीजिए और वहाँ पर जो है वो काम कीजिए। इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर रखिएगा। कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा, अर्ली टाइम्स के लिए।